दोस्तों आज मैं आपको इंडियन टू व्हीलर मार्केट की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग 125 सीसी स्कूटर टीवीएस एनटॉर्क 125 की एक डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ। ये स्कूटर 2018 में पहली बार मार्केट में आया था और तब से यंग जनरेशन के बीच ये स्कूटर बहुत ही पॉपुलर है। अभी स्कूटर का तीन वेरियंट मार्केट में अवेलेबल है, टीवीएस एनटॉर्क स्टैंडर्ड ड्रम वेरियंट, टीवीएस एनटॉर्क स्टैंडर्ड डिस्क वेरियंट एंड टीवीएस एनटॉर्क रेस एडिशन। आज की इस वीडियो में मैं टीवीएस एनटॉर्क स्टैंडर्ड डिस्क वेरिएंट का प्राइस, माइलेज, फीचर्स, स्पेसिफिकेशन सब कुछ बताने वाला हूं। आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और कमेंट में बताएं इस स्कूटर के बारे में आपका ओपिनियन क्या है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द बाइकर्स डैडी यूट्यूब चैनल और मैं हूँ अमित और आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल की और एक नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर द बाइकर्स डैडी फैमिली से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी एंड फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें मैसेज कर सकते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो BS6 अपडेट के बाद करीब 7000 रुपीस का प्राइस इंक्रीजमेंट हुआ है। आज की डेट में इस स्कूटर की एक शोरूम प्राइस कोलकाता है 76200 रुपीस। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ शुभ ऑटो हावड़ा में। अगर आप हावड़ा या फिर कोलकाता से हैं तो इस बाइक की ऑन रोड प्राइस एंड फाइनेंस स्कीम जानने के लिए डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों टीवीएस एनटॉर्क 125 इस सेगमेंट का सबसे अच्छा दिखने वाला स्कूटर है। इस स्कूटर का लुक्स फाइटर स्टील एयरक्राफ्ट से इंस्पायर्ड है। ये स्कूटर 6 डिफरेंट कलर में अवेलेबल है। अभी आप इस स्कूटर का मैट येलो कलर को देख रहे हैं। मैट येलो कलर के साथ ग्लॉसी ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगा मुझे। फ्रंट साइड का ऊपर वाला हिस्से में यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक कलर का पैनल देखने को मिलेगा। यहाँ पे इंडियन फ्लैग आप देख पाएंगे और यहाँ पे स्मार्ट एक्स कनेक्ट बैजिंग देखने को मिलेगा। फ्रंट फेंडर की तरफ देखे तो यहाँ पे टीवीएस का 3D एम्ब्लेम देखने को मिलेगा। साइड में यहाँ पे एनटॉर्क बैजिंग किया गया है। साइड फेंडर में रेसिंग स्टाइल स्टिकर के साथ 125 बैजिंग मिलेगा। फ्रंट मडगार्ड की तरफ देखें तो फ्रंट मडगार्ड में मैट ब्लैक कलर एंड मैट येलो कलर का यूज हुआ है। फुटबोर्ड के नीचे कार्बन फाइबर फिनिश पैनल के ऊपर में टीवीएस रेसिंग बैजिंग मिलेगा। दोस्तों इस स्कूटर की रियर साइड पैनल में 3D एनटॉर्क 125 बैजिंग भी मिल जाएगा। बैक साइड में यहाँ आफ्टर बर्नर स्टाइल का रियर वेंट देखने को मिलेगा और यहाँ पे टीवीएस का 3D एम्ब्लेम दिया गया है और यहाँ येलो रिफ्लेक्टर और यहाँ पे रेड रिफ्लेक्टर भी मिलेगा। इंटीरियर्स की तरफ देखें तो मैट फिनिश इंटीरियर इस स्कूटर में देखने को मिलेगा। इस इंटीरियर की राइट साइड में इग्निशन की दिया गया है। मिडिल में यहाँ पे एक हुक मिलेगा जिसमें आप बैग वगैरह टांग के ले जा सकते हैं। लेग स्पेस की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस स्कूटर का लेग स्पेस काफी बड़ा है। मेरा पैर होने के बावजूद भी काफी स्पेस यहाँ पे अभी भी है। इस स्कूटर में वेल कुशन व्हाइट सीट दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये सीट बहुत ही सॉफ्ट है। सीट की साइड में कार्बन फाइबर स्टाइल क्लॉथ का यूज हुआ है और रियर साइड में 2 मेटल पिलियन ग्रैबर भी यहाँ पे आपको मिलेगा। बूट स्पेस की बात करें तो इस स्कूटर में 22 लीटर कैपेसिटी वाला बूट स्पेस मिलेगा। यहाँ पे OBD पोर्ट भी आप देख पाएंगे और यहाँ पे बूट लाइट एंड USB पोर्ट भी मिलेगा जिससे आप मोबाइल वगैरह चार्ज कर पाएंगे। दोस्तों इस स्कूटर का फ्यूल फिलिंग कैप सीट के बाहर ही मिलेगा और इस स्कूटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 5.8 लीटर। अब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये स्कूटर BS6 कंप्लायंट 124.8 सीसी फ्यूल इंजेक्टेड 3 वाल्व सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड CVTi इंजन के साथ आ रहा है जो 7000 RPM में मैक्सिमम 6.9 किलोवाट और 9.25 BHP पावर एंड 5500 RPM में मैक्सिमम 10.5 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोवाइड करेगा। इस स्कूटर का टॉप स्पीड 95 किलोमीटर पर आवर है और ये स्कूटर 9 सेकंड में 0-60 kmph स्पीड अचीव कर सकता है। माइलेज की बात करें तो टीवीएस मोटर्स का कहना है कि पहले से 15% माइलेज इंप्रूव होगा BS6 वेरिएंट में। उनका ये भी कहना है कि अब ये स्कूटर 40 kmph से ज्यादा माइलेज प्रोवाइड करेगा। चलिए अब बात करते हैं इस स्कूटर का ब्रेकिंग सिस्टम को लेकर। इस स्कूटर का फ्रंट व्हील में सिंगल पिस्टन कैलिपर 220 मिलीमीटर डायमीटर वाला रोटोपेडल डिस्क ब्रेक के साथ SBT यानी सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी मिलेगा।
सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके चलते रियर ब्रेक दबाने से फ्रंट ब्रेक भी पार्शियली दब जाता है और उसके वजह से स्कूटर का ब्रेकिंग पावर एंड स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। इस स्कूटर का रियर व्हील में 130 मिलीमीटर ड्रम ब्रेक मिलेगा। दोस्तों, स्कूटर में हाई रिजिडिटी अंडरबोन ट्यूबलर टाइप चेसिस का यूज हुआ है। इस स्कूटर का फ्रंट में 33 मिलीमीटर डायमीटर वाला टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है और रियर साइड में मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा। इस स्कूटर का ग्राउंड क्लियरेंस है 155 मिलीमीटर, व्हील बेस है 1285 मिलीमीटर एंड स्कूटर का कार्ब वेट है 118 केजी। इलेक्ट्रिकल सिस्टम की तरफ देखें तो इस स्कूटर में एलईडी डीआरएल के साथ 35x35 वाट हैलोजन टाइप हेडलैम्प मिलेगा। इस स्कूटर का फ्रंट इंडिकेटर हैंडल बार में ही माउंटेड है और ये इंडिकेटर क्लियर लेंस वाला बल्ब टाइप इंडिकेटर है। टेल लाइट की तरफ देखें तो इस स्कूटर में टी शेप्ड फुल्ली एलईडी टेल लाइट मिलेगा और रियर साइड में नॉन फ्लेक्सिबल बल्ब टाइप टर्न लाइट यहां पे मिलेगा। स्विच कंसोल की तरफ देखें तो दोस्तों डिसेंट क्वालिटी का स्विच कंसोल यहां पे देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड में पास बीम, हाइलो बीम, इंडिकेटर एंड हॉर्न स्विच दिया गया है और राइट साइड में हेडलाइट ऑन ऑफ स्विच, इंजन किल स्विच एंड इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्विच मिलेगा। टीवीएस एंटॉर्क 125 का सबसे बेस्ट पार्ट है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इस स्कूटर में ब्लूटूथ कनेक्टेड फुल्ली कस्टमाइजेबल स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में 60 यूनिक फीचर्स मिलेगा, जैसे मल्टी मोड डिस्प्ले, बेस्ट लैप एंड लास्ट लैप टाइमर, पर्सनलाइज्ड वेलकम मैसेज, इनकमिंग कॉल अलर्ट, इनकमिंग एसएमएस अलर्ट, मिस्ड कॉल अलर्ट, नेविगेशन असिस्ट, इंजन टेम्परेचर इंडिकेटर, फोन सिग्नल स्ट्रेंथ, फोन बैटरी स्ट्रेंथ, ऑटो सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक, लास्ट पार्क लोकेशन, ट्रिप रिपोर्ट, ऑटो रिप्लाई एसएमएस, पावर एंड इकोनॉमी मोड इंडिकेटर, टॉप स्पीड रिकॉर्डर। इसके अलावा स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल मीटर, सर्विस रिमाइंडर, हेलमेट रिमाइंडर, बैटरी स्टेटस, एवरेज स्पीड, टर्न लाइट इंडिकेटर, हाई बीम इंडिकेटर, इंजन मैलफंक्शन इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर जैसे फीचर्स भी मिलेगा। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस सेगमेंट का सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। दोस्तों, स्कूटर में 12 इंच डायमीटर वाला डायमंड कट अलॉय व्हील्स का यूज हुआ है। फ्रंट व्हील में 100x80 साइज का एंड रियर व्हील में 110x80 साइज का ट्यूबलेस टायर मिलेगा और दोस्तों ये टायर साइज अपने सेगमेंट में सबसे वाइड है। तो दोस्तों, ये था टीवीएस एंटॉर्क 125 BS6 वेरिएंट का एक डिटेल्ड वाकरण रिव्यू। आपको ये स्कूटर कैसा लगा कमेंट में मुझे बताइए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राइड सेफ, जय हिंद, चाओ।